आज हम बात करने वाले हैं 15x30 का हाउस प्लान। बहुत ही बेहतरीन है, 2D मॉडल डिज़ाइन किया है, हालांकि मैंने यहाँ पर 3D नहीं डिज़ाइन किया है, इसी को डिस्कस करने वाला है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है, जहाँ पर आपको 2 बेडरूम, स्टेयर्स, लेटरिन बाथरूम, किचन और आपको 1 वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर तरीके से जाल भी मिलता है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्लान, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे 15x30 का, तो उसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आपको फ्रंट में भी एक गेस्ट रूम मिलता है और एक बेडरूम भी बड़ा सा मिल जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं 15x30 का। लेकिन उससे पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। और दोस्तों, अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्योंकि रिस्पांस मिलेगा, आपसे फ़ोन पर बात की जाएगी, आप किसी भी टाइप का घर का नक्शा, बिल्डिंग का नक्शा कुछ भी बनवा सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से 2D और 3D। उसके लिए आपको चार्ज देना होगा, उसके लिए हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले 15x30 का, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो उसी को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसका आउटर वॉल, फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर कागज़ पर बनाते हैं किसी भी प्लान को तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी ड्रॉ करना चाहूँगा। और सबसे पहले आउटर वॉल क्रिएट करते हैं, जो 15x आज हम डिस्कस कर रहे हैं 30 का हाउस प्लान। तो ये तो इसकी आउटर वॉल होगी, अब इस तरफ की आउटर वॉल डिस्कस कर लेता हूँ मैं अभी सारी चीज़ इसका 2D मैप क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2D से सब कुछ क्लियर होता है दोस्तों। आउटर वॉल क्लियर हो गई, इसको डबल कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा, क्योंकि आउटर वॉल दोस्तों 9 इंच का होता है, इसलिए मैं इसे डबल कर रहा हूँ। ये आपका आउटर वॉल क्रिएट हो चुका है। पीछे की बात करें तो पीछे एक आपका बेडरूम होगा, एक जो बड़ा सा बेडरूम है आपका। अगर वहीं बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में ही भी आपका एक गेस्ट रूम या बेडरूम, जिसको आप बोल सकते हैं, वो होगा। तो ये देखिएगा, मैं गेस्ट रूम या आप इसे बेडरूम बोल सकते हैं, तो इसको यहाँ पर आप ऐड कर दें, जिससे आपका ये प्रॉपर तरीके से थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो ये तो आपका ये आपका गेस्ट रूम हो गया। अब हम बात करते हैं लेटरिन और बाथरूम के पोर्शन की, तो मैं उसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपका ये लेटरिन और बाथरूम जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और आपका जो किचन रहेगा ये ओपन ही रहने दें। ये आपका लेटरिन और बाथरूम का एरिया, और पीछे आपका छोटा सा जाल रहेगा, जिससे आपका वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें होंगी। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट आपके लिए, विंडो कहाँ कहाँ पर लगे। तो फ्रंट में सबसे पहले आपका एक ये विंडो लगने वाला है, फ्रंट में सबसे फ्रंट में आपका एक बड़ा सा विंडो, और ये आपका यहाँ ये वेंटिलेशन है, जाल है, इसलिए यहाँ पर एक विंडो लगेगा, जिस आपका पीछे वाले रूम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक इस वाले रूम में भी आप विंडो लगा सकते हैं फ्रंट वाले में, क्योंकि यहाँ से भी वेंटिलेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ ये आपका लेटरिन और बाथरूम है, तो अपर में, ऊपर में आप यहाँ पर लगभग 7 फिट के बाद आप यहाँ एक विंडो लगा सकते हैं। तो इस वाले जो ओपन स्पेस से इस वाले रूम में वेंटिलेशन होगा, आपका किचन में भी होगा, लेटरिन बाथरूम में भी होगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपका 3 साइड क्लोज्ड नहीं है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर भी इस रूम में भी एक विंडो लगा सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैं विंडो एक ड्रॉ कर देता हूँ। अगर 3 साइड क्लोज्ड नहीं, तो आप यहाँ पर भी एक विंडो लगा सकते हैं। अगर क्लोज्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो मैं एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब हट जाएगा। आप यहाँ भी एक विंडो दे सकते हैं, अगर 3 साइड क्लोज्ड नहीं है तो। ये सब चीज़ें, एक किचन में भी विंडो दे सकते हैं अगर 3 साइड क्लोज्ड नहीं है तो, और आप एक पीछे विंडो दे सकते हैं अपने रूम में, अगर पीछे भी आपका जगह है, अन्यथा आप इनको लीव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो तब डिपेंड करता है जब आपका 3 साइड क्लोज्ड नहीं है। ये अब मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ सभी वॉल को, तो फटाक से मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, इसको भी मैं आउटर वॉल को भी हाईलाइट कर देता हूँ, जो सबसे लास्ट में या सबसे किनारे है। तो ये देखिएगा, मेरा वॉल हाईलाइट हो चुका है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बन चुका है। अब मैं इसमें गेट लगाता हूँ। गेट कहाँ से, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका एक गेट होगा, मेन डोर,
इसके बाद ये आपका लेटरिंग और बाथरूम, यहाँ पर आपका एक गेट होगा और इसमें भी आप एक गेट लगा लें जिससे कभी भी आप अंदर जा सकें। और ये आपका किचन है तो ये आपका पूरा ओपन ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक आप यहाँ पर गेट ऐसे लगा सकते हैं, ये आपका एक डोर बन जाएगा। तो ये तो इंट्रेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेयर्स की कि आप स्टेयर कहाँ लगाएंगे। तो आपका स्टेयर्स जो है, फ्रंट की बात करें तो आप फ्रंट में आप ये स्टेयर्स यहाँ लगा पाएंगे। ये आपकी स्टेयर्स हो गई, मैं बताऊँगा इसमें आपको किस तरफ से अप जाना है। ये आपका स्टेयर्स हो गया, ये दोस्तों अप का, यहाँ पे यहाँ से आप अप जाएंगे ऊपर, ये आप ऊपर जाएंगे, ये आपकी स्टेयर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इस मॉडल के पूरे साइज़ की कि किसका फिट इंटू 30 इंच इंटू 9 इंच का ये बेडरूम आपका पहले क्रिएट हो जाता है। बेडरूम फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी किचन है जिसका साइज है 5 इंटू 4 इंचज का, ये आपका लेट एंड बाथ है और ये आपका ओपन स्पेस है, आप इसे देख सकते हैं, ये ओपन स्पेस है। और साथ साथ ये किचन है 7x5x30 इंच का, ये आपका किचन यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है, ये आपका ओपन स्पेस यहाँ रहेगा। ऐसे लॉबी आप बोल सकते हैं जो कि 5x9 इंच का है। ये आपका एक गेस्ट रूम है जिसका साइज है 8x4 इंचज इंटू 9 फिट। तो ये आपका एज ए गेस्ट रूम या बेडरूम आप इसे यूज कर सकते हैं। ये अगर स्टेयर्स की बात करें तो आप इसका साइज 2.5 फिट रखना चाहते हैं तो 2.5 रखें, या 5 या 3 फिट रखना चाहते हैं तो 3 रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये आपका मेन एंट्रेंस होगा, यहाँ से आप अपने, ये फ्रंट होगा जिसको हम मेन एंट्रेंस भी बोलते हैं। और इस जैसे कि प्लान की मैंने साइज बताया तो ये 15x15 फिट ये था और 30 फिट इधर था, 15x30 का ये पूरा हाउस प्लान था। तो ये पूरा डिज़ाइन हो जाता है, ये ओपन स्पेस आपको यहाँ पर लॉबी मिल जाएगी। और ये आपका किचन है जो कि ओपन है, आप यहाँ पर डोर लगाना चाहते हैं तो लगा दें। और ये आपका गेस्ट रूम, तो ये पूरा 15x30 में क्रिएट होता है बेडरूम हाउस। और ये फ्रंट है। और आपका अगर हम बात करें साइजेस की, मतलब कि यहाँ पर दिशाओं की, तो आप देख सकते हैं ये ईस्ट फेस है दोस्तों, ये ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो ये कंप्लीट हाउस। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है, आप कोई रिकमेंडेड मॉडल बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारी पेड सर्विस का भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप वहाँ पर जाकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।